मेरे बच्चे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब। हम क्लास 8th की बात कर रहे हैं इस उकाब 1.0 वाले फ्री बैच में, जहां पे बेटे आपको हमारे डिजिटल लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्काई क्लासेस फाउंडेशन, वहां से मिलेंगे। मेरे बच्चे आपको हमारे लेक्चर नोट्स भी हमारी वेब ऐप से मिलेंगे, और हर संडे क्लास टेस्ट होता है। जो भी बच्चा टॉप करता है उसको हमारी ओर से एक फ्री गिफ्ट मिलता है। क्लास 8th की बेटे हम बात कर रहे थे बायोलॉजी, और रिमेंबर बायोलॉजी में हमने पहले रिप्रोडक्शन का चैप्टर इख्तिताम किया, उसके बाद बेटे हम आए इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज या इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। आखिर जो फूड हम खाते हैं, चाहे वो प्लांट से मिलता है या वो एनिमल से मिलता है, इस प्लांट को हम कैसे इंप्रूव करें ताकि बेटे ज्यादा ज्यादा फूड दे। इस एनिमल जिससे हम फूड हासिल करते हैं, इस एनिमल को हम कैसे इंप्रूव करें ताकि ये ज्यादा ज्यादा दूध दे, ताकि ये ज्यादा ज्यादा अंडे दे, ताकि ये ज्यादा ज्यादा हनी दे, ताकि बेटे इनसे ज्यादा ज्यादा मछलियां हासिल हो जाए। इसका मतलब बेटे हमें प्लांट्स को भी इंप्रूव करना है, एनिमल्स को भी इंप्रूव करना है। प्लांट्स को अगर इंप्रूव करना है उसको हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन, वो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है, तो इख्तिताम भी किया है। और बेटा अगर हमें एनिमल्स को इंप्रूव करना है ताकि बेटा वो ज्यादा ज्यादा उनसे हमें फूड हासिल हो जाए, इस चीज को हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। आपको अल्लाह की कसम है बेटा, जरा बात करो, इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक कौन है? एनिमल हस्बेंड्री है ना। तो बेटे एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक है ना, इसमें हमें सब चार सब टॉपिक्स मिलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में हमें उन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, उन जानवरों के बारे में पढ़ना है जिनसे बेटा हम फूड हासिल करते हैं, और हमें क्या उनके बारे में पढ़ना है कि हम उन जानवरों को कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम उनको बढ़ाएं। तो मेरे बच्चे रिमेंबर, इस एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक में हमें चार सब टॉपिक्स मिलते हैं। इस एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या पढ़ना है, इसमें बच्चे मेरे हमें कैटल फार्मिंग पढ़ना है कि गाय वगैरह, भैंस वगैरह, शीप जो है, ये हम कैसे इनको इंप्रूव करें, क्योंकि हम इनसे दूध हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, तो हम इनको कैसे इंप्रूव करें। वो तो लास्ट वाला लेक्चर था ना कैटल फार्मिंग। तो बेटे एनिमल हस्बेंड्री का जो दूसरा टॉपिक है वो कौन है, वो है बेटा पोल्ट्री फार्मिंग। क्योंकि जो पोल्ट्री बर्ड्स है, ये मुर्गा है, मुर्गी है, इनसे हम बेटा अंडे हासिल करते हैं। इतना ही नहीं बेटा, आपको पता है इनसे हम गोश्त भी हासिल करते हैं। तो अंडा हमारे लिए फूड है, गोश्त हमारे लिए फूड है, तो हमें पोल्ट्री बर्ड्स को भी इंक्रीज करना है ना, इनको भी इंप्रूव करना है ना। तो मैं कह सकता हूं बेटा एनिमल हस्बेंड्री का जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज बेटा पोल्ट्री फार्मिंग। आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग, यानी कि इन पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको बेटा पता होनी चाहिए, ये है ना, मैं आपको बेटा एक डायग्राम यहाँ पे, एक पेडिग्री इनकी दिखाऊं। देखिए बच्चा मेरा, अच्छे से देखिए, पहले अच्छे से देखिए, ये है एनिमल हस्बेंड्री का एक बेटा, ये एनिमल हस्बेंड्री का एक टॉपिक। इसमें हमें चार सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन सा सब टॉपिक हमें पढ़ना है यार? एक तो हमें पढ़ना है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग तो हमने पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। उसके बाद बेटे हम आएंगे पोल्ट्री फार्मिंग पे। आज पोल्ट्री फार्मिंग जो ही हम इख्तिताम करेंगे आज इंशाल्लाह, उसके बाद बेटे नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा रहेगा फिश फार्मिंग, उसके बाद बी कल्चर रहेगा। आज उठाएंगे क्या, पोल्ट्री फार्मिंग। अरे आज तो मुर्गा और मुर्गी के साथ बेटा हम अपना खेल खेलेंगे। चलो आगे चलते हैं। पहले जाएंगे बेटा हम कहां, एक पोल्ट्री फार्म है। मैं आया कहां हूं यार, मैं पोल्ट्री फार्म में आया हूं। मुर्गा मुर्गियां, अरे यार इनके साथ आज ना डील करेंगे कि क्या ये हमें प्रोवाइड करते हैं, कौन सा फूड हमें प्रोवाइड करते हैं। चलो बेटा देखो, सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग को जानिए यार। पोल्ट्री फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री का एक ब्रांच होता है, बिल्कुल, ये तो एनिमल हस्बेंड्री का एक ब्रांच होता है। कौन? पोल्ट्री फार्मिंग। देख बेटा देख 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 देख, पहले देख, देखो द वर्ड पोल्ट्री हैज बीन डेरा, ये बेटा एक्चुअली क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पोल्ट। पोल्ट्री मीन्स चिकन, ठीक है, पोल्ट्री मीन्स चिकन। अब देखो सबसे पहले पोल्ट्री फार्मिंग में हम किन के बारे में पढ़ते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में हम पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स में कौन कौन आता है, फॉवल यानी कि जो घर में चिकन वगैरह होते हैं, डक्स आता है, गीस आता है, तुर्की आता है, और झिनवा फॉवल आता है। ये कुछ ऐसे पोल्ट्री, ये बेटा ऐसे कुछ पोल्ट्री बर्ड्स हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग में हम जिनकी क्या करते हैं, यानी कि उनका टेक केयर करते हैं, खाना वगैरह देते हैं।
अब क्यों करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग करने का गर्ज यह होता है क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में हम इन जानवरों को टेक केयर करते हैं, बाद में यही जानवर बेटे हमें अंडे देते हैं और गोश्त देते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग का मकसद होता है अंडे हासिल करना और गोश्त हासिल करना, बस, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। उसके बाद इंडिया में बेटा, इंडिया जो है ना आज पांचवें नंबर पे है पोल्ट्री फार्मिंग में, यानी कि इंडिया भी बहुत तरक्की कर रहा है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में भी आगे है। पोल्ट्री फार्मिंग में इंडिया, अगर इंडिया की बात करेंगे ना, यहां पे बेटे इंडिया हमारा पांचवें नंबर पे है, किसमें? पोल्ट्री फार्मिंग में। इस हिसाब से बेटा यहां पे क्या प्रोडक्शन होती है पोल्ट्री बर्ड्स एंड एग्स की, ठीक है। चलो बेटा, इसके बाद बेटा देखिए पोल्ट्री फार्मिंग में हम क्या करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में हम बेटा सबसे पहले, हाँ, ये तो पोल्ट्री बर्ड से अंडे हासिल करते हैं, उसके बाद इन पोल्ट्री बर्ड्स को बढ़ाते हैं, इनको घर देते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, बीमार पड़े तो इलाज करते हैं, उसके बाद फिर हम इनकी मार्केटिंग करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। अच्छे से बात को समझो, देखो जैसे बेटा वो जो कैटल फार्मिंग में मेल्स होते हैं और फीमेल्स होते हैं, इसी तरह अब समझे, फीमेल से वहां पे हम क्या दूध हासिल करते हैं और मेल्स को बेटा हम एग्रीकल्चर काम में लगा देते हैं। सेम इसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग में मेल पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं और फीमेल पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं। फीमेल पोल्ट्री बर्ड जो है उनको हम एग्स के लिए हासिल करते हैं, यानी कि एग्स के लिए उनकी उनको टेक केयर करते हैं। मीन्स के पोल्ट्री बर्ड में फीमेल पोल्ट्री बर्ड भी होता है, मेल पोल्ट्री बर्ड भी होता है। जो फीमेल पोल्ट्री बर्ड है इसको हम क्यों पालते हैं? ताकि ये एग्स दे, ठीक है। रिमेंबर बच्चा मेरा, जो एग देने वाली मुर्गी होती है उसको बेटा हम बोलते हैं एगर, EGGER, एगर बोलते हैं या लेयर बोलते हैं, ये मैंने लिखा है बेटा। द स्पेशलाइज्ड एग लेइंग पोल्ट्री बर्ड आर कॉल्ड एगर या लेयर्स। अगर या लियर का मतलब मुर्गी देने वो सॉरी अंडे देने वाली मुर्गी को हम क्या बोलते हैं? अगर या लियर बोलते हैं। और रिमेंबर, हाँ, अब पोल्ट्री बर्ड्स में जो मेल पोल्ट्री बर्ड होता है जिसको हम गोश्त के लिए यानी कि उसको टेक केयर करते हैं, ठीक है, और उस पोल्ट्री बर्ड को बेटा हम बोलते हैं ब्रॉयलर या बोलते हैं चिकन। चिकन या ब्रॉयलर क्या होता है? दिस इज नॉट ब्रॉयलर, ब्रॉयलर का मतलब जो उबालने वाला, दिस इज ब्रॉयलर। ब्रॉयलर क्या होता है? ये मेल चिकन होता है, ठीक है। हाँ मेरे बच्चे, इसका मतलब पोल्ट्री बर्ड्स में मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं। मेल से हम गोश्त हासिल करते हैं, तो पोल्ट्री बर्ड्स का जो मेल होता है उनको हम बोलते हैं चिकन या बोलते हैं ब्रॉयलर। और रिमेंबर, ये बेटा किसके लिए होते हैं? ये इनको हम हासिल करते हैं किसके लिए? मीट के लिए। और पोल्ट्री बर्ड्स में जो फीमेल पोल्ट्री बर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एगर या बोलते हैं लियर। एगर या लियर क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि अंडे देने वाले होते हैं, ये बेटा फीमेल्स होते हैं, ये एग्स देते हैं, ठीक है। अब बेटे मेरे, तो अभी तक हमें यह समझ आया पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है पोल्ट्री बर्ड्स की रखवाली करना, पोल्ट्री बर्ड्स की यानी कि पोल्ट्री बर्ड्स की रखवाली करना, उनको घर प्रोवाइड करना, बीमार पड़े तो इलाज करना, उनको खाना प्रोवाइड करना, बाद में उनसे अंडे हासिल करना और गोश्त हासिल करना, ये सारा बेटा पोल्ट्री फार्मिंग में आता है। और इंडिया बेटा पांचवें नंबर पे है पोल्ट्री फार्मिंग में। और पोल्ट्री फार्मिंग में मेल पोल्ट्री बर्ड होता है और फीमेल पोल्ट्री बर्ड होता है। मेल पोल्ट्री बर्ड को हम बोलते हैं चिकन या ब्रॉयलर, उसको हम गोश्त पर्पज के लिए पालते हैं। और पोल्ट्री फार्मिंग में जो फीमेल पोल्ट्री बर्ड होता है उसको हम बोलते हैं एगर या लियर, क्योंकि हम उसको अंडे, वो अंडे देती है इसीलिए हम उसको पालते हैं। आगे चलते हैं बच्चे मेरे, इसके बाद है पोल्ट्री ब्रीड्स। देखो हमारे इंडिया में यहां पे बेटा तीन किस्म के पोल्ट्री बर्ड्स पाए जाते हैं, तीन किस्म के बेटा पोल्ट्री बर्ड्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, ब्रीड्स। सब ब्रीड्स हिंदुस्तान में पोल्ट्री बर्ड्स के कितने किस्म की नस्लें हैं, कितनी किस्म की नस्लें हैं, नस्ल कितनी किस्म की नस्ल है? जैसे बेटा हमने कल देखा कैटल फार्मिंग में कितनी किस्म के यहां पे जानवर पाए जाते हैं, कैटल्स पाए जाते हैं, या कितनी किस्म की गाय पाई जाती है, कितनी किस्म की भैंस पाई जाती है, कल देखा। आज तो हम देखेंगे इंडिया में जो मुर्गा और मुर्गियां हैं इनको हम पोल्ट्री बर्ड्स बोलते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स यहां कितनी किस्म के हैं। बेटा तीन किस्म के पोल्ट्री बर्ड्स हिंदुस्तान में, मेल फीमेल इकट्ठे, तीन किस्म के पोल्ट्री बर्ड्स इंडिया में पाए जाते हैं। कुछ पोल्ट्री बर्ड्स को हम बोलते हैं, हाँ, इंडिजिनस ब्रीड या देसी ब्रीड। अरे देसी भाई, इसको हम बोलते हैं इंडिजिनस ब्रीड या बोलते हैं देसी ब्रीड। क्यों क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि बेटा देखो, अगर इंडिया में कोई पोल्ट्री बर्ड अपना पहले से ही अपना था, हमने वो बाहर शहर से नहीं लाया, मिसाल के तौर पर इंडिया में कोई अपना मुर्गा या कोई अपनी मुर्गी पहले से ही वो अपनी थी और हम उसको यहां पाल रहे हैं, जो मुर्गा या मुर्गी इंडिया
अपनी है, अपनी किसी कंट्री से नहीं लाई, अपनी है। तो ऐसे पोल्ट्री बर्ड को हम बोलते हैं देसी ब्रीड या बोलते हैं इंडिजेनस ब्रीड। इसका मतलब बेटा ये अपनी ब्रीड हमें होती है, ये वो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं। इंडिजेनस ब्रीड या इंडिजेनस पोल्ट्री ब्रीड या देसी पोल्ट्री ब्रीड, ये वो पोल्ट्री बर्ड होता है, ये वो मुर्गा या मुर्गी होती है जो इंडिया को अपनी होती है, इंडिया को ये नस्ल अपनी होती है, कहीं से नहीं लाई होती, ठीक है ना। अब देखो, अब इसके बाद है एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक पोल्ट्री ब्रीड का मतलब ये वो मुर्गा या मुर्गी होती है जो बेटा हमें इंडिया वालों को अपनी नहीं है, बल्कि हमने क्या काम किया। अब देखो मिसाल के तौर पर हम में से कोई बंदा, इंडिया का कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया गया, चलो लेट इट बी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में उसने कोई मुर्गी जबरदस्त देखी यार, वो जो है ना साल में बहुत अंडे देती हैं और उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, मतलब अच्छी हेल्दी है। तो हमें शौक हो गया ऑस्ट्रेलिया देख के, हमें उस मुर्गी का शौक हो गया कि हमारे इंडिया में भी ऐसी मुर्गी होनी चाहिए। तो हमने क्या काम किया भाई, हमने काम किया, हमने ऑस्ट्रेलिया वालों को बोला भाई ये जो मुर्गी है ना इसका हमें एक बच्चा चाहिए। हमने उसका एक बच्चा लाया, इंडिया में लाया, इंडिया में लाने के बाद हमने उस बच्चे को परवरिश की और उस वो बच्चा जो है ना बड़ा हो गया और उसने अपने फिर बच्चे दिए। तो मुझे बताओ इंडिया में जो ये मुर्गी आ गई, बोलो ये मुर्गी जो इंडिया में आ गई क्या ये पहले से अपनी थी या कहीं फॉरेन कंट्री से लाई, फॉरेन कंट्री से लाई फिर इंडिया में लाई और एक्लेमेटाइज किया, यानी कि हमने इसको पाला यहां पे। मुझे बताओ ऐसी मुर्गी या ऐसे पोल्ट्री बर्ड जो बेटा हमने किसी फॉरेन कंट्री से लाया और इंडिया में पाला, तो ऐसी पोल्ट्री बर्ड को हम बोलते हैं एग्जॉटिक पोल्ट्री बर्ड या एग्जॉटिक पोल्ट्री ब्रीड। इसका मतलब इंडिजिनस पोल्ट्री ब्रीड का मतलब वो वाला पोल्ट्री एनिमल, वो वाला पोल्ट्री बर्ड जो बेटा हमें इंडिया वालों का अपना है, अपनी कंट्री का है। और एग्जॉटिक पोल्ट्री ब्रीड का मतलब ये वो पोल्ट्री बर्ड होता है जो बेटा अपना नहीं है, हमने किसी फॉरेन कंट्री से लाया और इंडिया में उसको पाला। नेक्स्ट है बेटा क्रॉस ब्रीड या इंप्रूव्ड ब्रीड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्रॉस ब्रीड? अब देखो सिंपल शॉर्टकट याद रखना। हाँ देखो, क्रॉस ब्रीड का मतलब होता है या इंप्रूव्ड ब्रीड का मतलब हमने अगर कोई नई नस्ल बनाई, बट कहां से बनाई, इंडिजिनस ब्रीड और एग्जॉटिक ब्रीड से हमने कोई नई नस्ल बनाई। मिसाल के तौर पर हमने बेटा ऐसे समझो, शॉर्टकट है, हमने मिसाल एग्जॉटिक ब्रीड यानी कि हमने बेटा एग्जॉटिक ब्रीड यानी कि ऑस्ट्रेलिया से कोई मुर्गी यार, फीमेल फॉवल का मतलब ये परिंदे, ये ना बर्ड्स वगैरह, फीमेल फॉल, हमने ऑस्ट्रेलिया से एक मुर्गी लाई, कहां लाई ये बेटा, INDIA इंडिया लाई, हमने ऑस्ट्रेलिया से एक मुर्गी लाई, इंडिया लाई, उसको पाला, बहुत अच्छी मुर्गी है, साल में बहुत अंडे देती है, 400 नहीं दे सकते यार, 250-300 अंडे देती है, ठीक है, बहुत अच्छी है। अब इंडिया वालों को अपना मुर्गा है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वालों को अपना मुर्गा है यार, वो बहुत अच्छा मुर्गा है, वो हेल्दी है बहुत ज्यादा। अब बेटा हमने क्या, मेल फॉवल, इंडिया का मेल फॉवल, ठीक है, मेल फॉवल लाया। अब इस मेल फॉवल और इस ये जो फीमेल फॉवल जो किसी और कंट्री का है, मेल फॉवल हमें अपनी कंट्री का है, ये भी इंप्रूव्ड है, जबरदस्त है, ये भी जबरदस्त है, हमने बेटा इस मेल फॉवल की रिप्रोडक्शन इस फीमेल फॉवल के साथ कराई और फिर बेटा वहां पे बच्चा बनेगा, बनेगा ना बच्चा, और बच्चा जो बन गया, इंडिया तो बच्चा नहीं बन गया, वहां जो बच्चा बन गया और बच्चे, उसका नाम हम रखेंगे क्रॉस ब्रीड। क्या नाम रखेंगे? क्रॉस ब्रीड। इसका मतलब क्रॉस ब्रीड क्या होता है या इंप्रूव्ड ब्रीड, ये हाँ देसी ब्रीड और एग्जॉटिक ब्रीड को हम आपस में रिप्रोडक्शन कराते हैं और फाइनली फिर वहां पे जो नई नस्ल बनती है उसी का नाम होता है क्रॉस ब्रीड या इंप्रूव्ड ब्रीड। क्रॉस ब्रीड या इंप्रूव्ड ब्रीड कौन सी ब्रीड होती है? एग्जॉटिक ब्रीड और इंडिजिनस ब्रीड, अपनी कंट्री का कोई पोल्ट्री बर्ड और बाहर की कंट्री का कोई पोल्ट्री बर्ड, उनको हमने आपस में रिप्रोडक्शन कराई, फाइनली वहां पे क्या मिला, वहां पे बेटा रिप्रोडक्शन करने के बाद जो बच्चा बन गया उसको हम नाम रखते हैं क्रॉस ब्रीड या इंप्रूव्ड ब्रीड, ठीक है, सिंपल है। इसका मतलब अब इंडिया में कितने किस्म के पोल्ट्री बर्ड्स पाए जाते हैं? तीन, देसी पोल्ट्री बर्ड और एग्जॉटिक पोल्ट्री बर्ड और बेटा क्या पाया जाता है, क्रॉस पोल्ट्री बर्ड, ठीक है। चलो पहले हम देखते हैं ये इंडिजिनस बर्ड क्या होता है, इससे क्या फायदा है, ये कौन सा गुल खिलाता है और ये कौन सा तूफानी मचाता है। चलो पहले ही बेटा इंडिजिनस या इंडिजिनस पोल्ट्री बर्ड या बेटा इसको हम देसी पोल्ट्री ब्रीड बोलते हैं।
देखो बेटा ये आपको दिखता है हमारे इंडिया में, यानी कि हमारी अपनी कंट्री में, यहाँ अब देखो ऐसे ऐसे पोल्ट्री बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये है देसी, देसी है ना, देसी का मतलब जो हमें अपना यहाँ पे है, देसी का अपना यार, अपना जो है, ठीक है, हमने कहीं से नहीं लाया, अपना यहाँ डेवलप किया। अब सबसे पहले अब इन देसी पोल्ट्री बर्ड्स मतलब इनकी क्या कोई खासियत है, सुनो, देसी पोल्ट्री बर्ड्स सबसे पहले ये साइज में या ना सॉरी वेट के हिसाब से उतने बड़े नहीं होते हैं, वेट के हिसाब से कम होते हैं, मतलब इनका वेट ज्यादा नहीं होता है, ये ज्यादा भारी नहीं होते, वेट ज्यादा नहीं होता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इनको बीमारी नहीं लगती है, इनको बीमारी मतलब जल्दी इनको बीमारी नहीं लगते हैं। तीसरा, अंडे देते हैं, अंडों का साइज छोटा होता है, और अंडे देते हैं कम अंडे देते हैं, अंडों का साइज भी छोटा, अंडे देते हैं कम अंडे देते हैं, साल में बहुत कम अंडे देते हैं, अंडों का साइज भी छोटा होता है और इनका वेट खुद भी कम होता है। बट बेटा इनमें खासियत ये है कि इनको जल्दी बीमारी नहीं लगती है, जैसे उन्हीं को बेटा हम इंडिजिनस ब्रीड्स बोलते हैं। इंडिजिनस ब्रीड का मतलब जो इंडिया को अपना कोई पोल्ट्री बर्ड पाया जाता है, यानी कि जो अपना कोई देसी अपना कोई पोल्ट्री बर्ड है उसको हम बोलते हैं इंडिजिनस ब्रीड। इंडिजिनस ब्रीड की खासियत मैंने आपको बताई, ये बेटा क्या होता है, इनको जल्दी बीमारी नहीं लगती है, इनका वेट कम होता है, अंडे देते हैं वो छोटा होता है और अंडे भी कम देते हैं ये, ठीक है। अब सर क्या कुछ देसी ब्रीड्स के नाम आप ले सकते हैं, देसी पोल्ट्री ब्रीड्स जो इंडिया को अपने पहले से ही अपने वो पोल्ट्री बर्ड्स हैं? बिल्कुल क्यों नहीं बेटा, जैसे असल है, असल एक पोल्ट्री बर्ड है, ये इंडिया को पहले से ही अपना एक पोल्ट्री बर्ड है। इस तरह बेटा चिटागोंग, इस तरह कड़कनाथ, हाँ छागस एंड बुरसा, ये कुछ अपने इंडिया के देसी पोल्ट्री ब्रीड्स हैं। अब हाँ अगर आप बेटा इनकी वेट की बात करेंगे, जो देसी या इंडिजिनस ब्रीड में जो मेल्स होते हैं, इंडिजिनस ब्रीड के जो मेल्स होते हैं, मेल फवल या मेल चिकन जो होता है बेटा, उसका ज्यादा ज्यादा वेट जो है वो 3 4 से 5 केजी रहता है, और जो फीमेल है उससे 3 से 4 केजी रहता है। देसी ब्रीड कंप्लीट। अरे उतना नहीं है तूफान यार, हमें तो अभी क्या BVSC नहीं करना है, हमें तो क्लास 8 9th यही है ना, इसी क्लास का पढ़ना है। चलो आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट है बेटा एक्सोटिक ब्रीड। एक्सोटिक ब्रीड बताओ ये कहा क्या होता है एक्सोटिक ब्रीड? एक्सोटिक ब्रीड वो वाला पोल्ट्री बर्ड होता है जो किसी कंट्री से हमने लाया होता है और इंडिया में डाला होता है, फिर इंडिया में हमने उसकी परवरिश की होती है, ठीक है, उसको हम एक्सोटिक ब्रीड बोलते हैं। एक्सोटिक ब्रीड बेटा ये है आपके पास एक्सोटिक ब्रीड, ठीक है, लगता है देसी बेटा है नहीं, एक्सोटिक ब्रीड है, किसी और कंट्री से लाया और यहां पर पाला। एक्सोटिक ब्रीड की खासियत सुनो, इनमें खासियत यह है अंडे देते हैं ना, अंडों का साइज बड़ा होता है और साल में ज्यादा अंडे देते हैं, और इनका खुद एक्सोटिक ब्रीड के जो मुर्गा या मुर्गी होती है ना, इनका खुद भी वेट जो है ना वो ज्यादा वेट होता है, बड़े भी होते हैं ज्यादा वेट भी होता है। देखो बड़े भी हैं और वेट भी ज्यादा है एज कंपेयर टू, देखो ये उतने नहीं है, ठीक है, ये मैंने पिक्चर थोड़ी मोटी की, अदरवाइज उतने नहीं है। अब देखो यहाँ पे इनका वेट भी, जो एक्सोटिक ब्रीड है ना, जो हमने किसी कंट्री से कोई चिकन या किसी कंट्री से कोई पोल्ट्री बर्ड लाया होता है, इंडिया में डाला होता है, उसको हम एक्सोटिक बर्ड बोलते हैं या एक्सोटिक ब्रीड बोलते हैं। एक्सोटिक बर्ड या एक्सोटिक ब्रीड जो है बेटे, इनमें खासियत यह है अंडे देते हैं ज्यादा ज्यादा और अंडा देता है बड़ा, ठीक है, बट इनमें और इनका वेट भी खुद ज्यादा होता है, बट इनमें डिसएडवांटेज ये है, ये बीमार जल्दी हो जाते हैं, लोकल डिजीजेज इनको जल्दी अटैक करते हैं, ये जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। हाँ मैंने बेटा आपको देखो यहां पे एक टर्म मैंने लिखी है एक्लेमेटाइज्ड, मीन्स कि ऐसे अगर हमने ऑस्ट्रेलिया से इसको ला इंडिया में डाला, इंडिया में अगर ये फिट हो गई ना, यहाँ के एनवायरनमेंट में फिट हो गई, उसको हम बोलते हैं एक्लेमेटाइज, ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं किसी अदर एनवायरनमेंट में, सर्वाइव कर रहा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेट सर, मतलब हमने बाहर की कंट्री से कौन सा ऐसा पोल्ट्री बर्ड लाया है जो हमने इंडिया में डाला है, क्या किसी का आप नाम ले सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं, व्हाइट लेग हॉर्न, ये है बेटा व्हाइट लेग हॉर्न, ये है व्हाइट लेग हॉर्न, ये व्हाइट लेग हॉर्न, ये एक ऐसा पोल्ट्री बर्ड है जो हमने किसी और कंट्री से लाया और यहां पे डाला इंडिया में, ये एक्सोटिक ब्रीड है, अपना नहीं है, कहीं से लाया है। नेक्स्ट बेटा है यहाँ रोहड़ आइलैंड रेड, ये एक्चुअली आइलैंड में ये वाली मुर्गी रहती थी, इसका नाम है रोहड़ आइलैंड रेड, ठीक है, ये थोड़े रेड कलर के होते हैं ना, रोहड़ आइलैंड रेड, रोहड आइलैंड एक होता है, ठीक है, रोहड आइलैंड लेग बेटा एक और एक्सोटिक ब्रीड है जो हमने एक आइलैंड से लाया, रोहड़ आइलैंड से लाया और हमने इंडिया में उसको डाला, ठीक है। तो ये है एक्सोटिक ब्रीड। तो बच्चे मेरे मुझे बताओ,
जो पोल्ट्री बर्ड्स है ना इंडिया में, तीन किस्म के पाए जाते हैं, इंडिजिनस ब्रीड, अपना एग्जॉटिक ब्रीड जो हमने किसी कंट्री से लाया यहाँ। फिलहाल हमने डिफरेंस क्या देखी, इंडिजिनस ब्रीड में वो अंडे छोटे देते हैं, अंडे कम कम देते हैं, मुर्गियों का मुर्गी और मुर्गियों का साइज मतलब वो वेट उनका कम होता है और बट उनमें बीमारी नहीं लगती है। और एग्जॉटिक ब्रीड में हमने ये देखा इनका साइज भी खुद ज्यादा होता है, अंडे भी बड़े बड़े देते हैं, अंडे ज्यादा ज्यादा देते हैं बट बीमार जल्दी पड़ते हैं। अब इसके बाद बेटे अब है इंप्रूव्ड ब्रीड या क्रॉस ब्रीड, इंप्रूव्ड ब्रीड या क्रॉस ब्रीड, ये है बेटे आपके पास। आपने ये देखा होगा, अरे सर ये तो हम खाते हैं। हाँ आप तो खाते हैं ना, यही तो कौन है, यही तो क्रॉस ब्रीड है, हमने इसको क्रॉस ब्रीड से बनाया। सर इसको तो हम ब्रॉयलर बोलते हैं। अरे ब्रॉयलर क्या है, ब्रॉयलर ये इसका मतलब एक कॉमन नाम है ब्रॉयलर, ठीक है, एक्चुअली ये क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड का मतलब जो हमने ऐसे देखो, क्रॉस ब्रीड का क्या मतलब, इंडिजिनस ब्रीड की रिप्रोडक्शन एक्सोटिक ब्रीड की के साथ कराई, इंडिजिनस ब्रीड और एक्सोटिक ब्रीड के आपस में रिप्रोडक्शन कराई, वहां जो नई नस्ल पैदा हो गई उसी को हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड के एक बेस्ट एग्जांपल ये है जो हम खाते हैं, वो क्रॉस ब्रीड से मिलता है। जो आप चिकन वाले के पास जाते हो ना, अरे यार चिकन दे दो अंकल, चिकन दे दो, अरे वो चिकन क्या होता है, वो एक्चुअली क्रॉस ब्रीड है। इंडिजिनस ब्रीड और एक्सोटिक ब्रीड को रिप्रोडक्शन कराने के बाद जो आपको वहां पे मिला ना चिकन, वो बेटा उसी को हम क्रॉस ब्रीड बोलते हैं या इंप्रूव्ड ब्रीड बोलते हैं। अब समझो सर, इंप्रूव्ड ब्रीड बेटा देखो मैंने आपको ये यहां पे भी लिखा है, एक्सोटिक ब्रीड और इंप्रूव्ड पोल्ट्री बर्ड ब्रीड, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन देसी एंड एक्सोटिक ब्रीड, यानी कि इंडिजिनस ब्रीड और एक्सोटिक ब्रीड के आपस में आप रिप्रोडक्शन कराओ, वहां पे बेटा क्या मिलेगा, वहां पे आपको इंप्रूव्ड क्वालिटी का इंप्रूव्ड ब्रीड मिलेगा, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, अरे सुनना मैं बता, आपसे मैं बात कर रहा हूं यार, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में बहुत सारे रिसर्चेस ऐसे अभी एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग पे होते हैं यार, बोलते हैं हम नए नए चिकन बनाएंगे, नई नई वेराइटीज बनाएंगे, अभी भी बहुत सारे हंड्रेड ऑफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा सर कोई ऐसा इंप्रूव्ड ब्रीड है किसका आप नाम ले सकते हैं, इंप्रूव किसी इंप्रूव्ड ब्रीड का जो हमने एक्सोटिक ब्रीड और इंडिजिनस ब्रीड के रिप्रोडक्शन कराने के बाद वहां इंप्रूव्ड ब्रीड मिला, किसका आप नाम ले सकते हैं। हाँ कितने नाम है, HH260 ये एक चिकन का नाम है, IBL80 ठीक है, B77, ILS82 ये चिकन्स का नाम है, ये इंप्रूव्ड ब्रीड हमने बनाए, ठीक है। आगे चलते हम नेक्स्ट बेटा, इसका मतलब चिकन इंडिया में तीन किस्म के हैं, आप बताओ, अरे बोलना जल्दी बोलना यार, अब बोलना, इंडिया में कितने किस्म के पोल्ट्री बर्ड पाए जाते हैं, नहीं बोलना है आपको, अरे आपसे मैं बोल रहा हूं ना, बोलो इंडिया में कितने किस्म के पोल्ट्री बर्ड्स पाए जाते हैं। सर तीन, इंडिजिनस ब्रीड जो अपना है, एक्सोटिक ब्रीड जो हमने बाहर से लाया और यहां पे डाला इंडिया में या किसी कंट्री में, नेक्स्ट इंप्रूव्ड ब्रीड या, अरे इंप्रूव्ड ब्रीड या क्रॉस ब्रीड, वेरी गुड, ठीक है ये है हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, तो मुझे बताओ बेटा अब ओवरऑल चले ठीक है तीन किस्म के मुर्गे मुर्गियां पाई जाती हैं, पर क्यों हम इनको पालते हैं, व्हाट इज द रीजन, क्यों बेटा रीजन क्या है क्यों हम इनको पालते हैं, डू यू नो, नेक्स्ट स्लाइड पे वही है भाई, ये प्रोडक्शन ऑफ लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स, कि जो अंडे देने वाले मुर्गियां और जो गोश्त देने वाले चिकन जिन्हें हम बोलते हैं, क्यों हम उनको पालते हैं, क्यों हम उनकी प्रोडक्शन कराते हैं, बस दो ही रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये गोलू गोलू मीन्स के एक रीजन ये है, हम उनको इसलिए पालते हैं, लेयर्स को हम इसलिए पालते हैं क्योंकि अंडे देते हैं टू ऑब्टेन मोर एग्स, और ब्रॉयलर्स को हम इसलिए पालते हैं क्योंकि बेटा ये क्या देते हैं, गोश्त देते हैं। ये देखो बेटा नटहन है, ये गोश्त है, ये बेटा हम इस ये कहां से मिलता है, चिकन से मिलता है, ब्रॉयलर से मिलता है। तो अगर बेटा हम पोल्ट्री बर्ड्स को पालते हैं, रीजन दो होते हैं, अंडे मिल जाए और गोश्त मिल जाए। तो बच्चे मेरे आगे चलते हैं, हम पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ लेयर्स। तो क्या इसे बेटा पहले सुनो, जो अंडे देने वाली मुर्गियां है ना, अंडे देने वाली मुर्गियां, अंडे देने वाली मुर्गियों को हम पालते हैं, ठीक है, पर कितने अंडे वो देती है यही तो देखेंगे ना, कितने कितने अंडे वो देती है और कैसे अंडे वो देती है। सुनो सबसे पहले बेटा एक फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ये एक मुर्गी है, इसके नीचे हमने अंडे रखे, अभी समझाता हूं कॉन्सेप्ट, इस मुर्गी के नीचे हमने अंडे रखे, अब इस मुर्गी ने काम किया हैचिंग की, इन अंडों से क्या, इन अंडों को तोड़ा और वहां से बेटा चूजा निकला, बच्चा निकला। अब जब वहां से चूजा निकला, ये चूजा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ये चूजा जब बड़ा हो जाता है, अगर ये चूजा मुर्गी होगी, मुर्गी ये चूजा बड़ा 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 होके
20 वीक्स की हो जाती है, मींस 5 मंथ्स की। जब एक मुर्गी पैदा होने से लेके 5 मंथ्स गुजर जाते हैं और 5 मंथ्स के बाद ये मुर्गी बेटा अब अंडे देना शुरू करती है। इसका मतलब एक मुर्गी जो है जब वो 5 महीने की हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली बेटा जब वो 5 मंथ्स की हो जाती है, वो क्या, वो अंडे देना शुरू करती है। तो बच्चे मेरे, अब हम इसलिए मुर्गियों को पालते हैं क्योंकि वो हमें अंडे देती है। कब? वो बेटे तब अंडे देती है जब वो 5 मंथ्स की हो जाती है। और रिमेंबर, फिर चलते 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 ओवरऑल मैं आपको बताऊं, एक मुर्गी बेटा अपनी जिंदगी में तकरीबन बेटा 500 अंडे देती है। एक मुर्गी अपनी जिंदगी में बेटा तकरीबन 500 अंडे देती है, ठीक है। इसके बाद बेटे जब वो मुर्गी अंडा देना छोड़ देती है, जब वो परमानेंटली वो अंडे अब नहीं देती है, तो बेटा फिर किस काम की? अरे काय को हमें रखनी है घर पे, उसको फिर हम काम करते हैं, उसको हम उसकी बस्त वालते हैं, फिर हम बेटा उसको मार के जबह करके फिर हम उसका हम गोश्त खा लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो किसी काम के नहीं होते हैं। यही तो बेटा मैंने इसमें सब कुछ लिखा, और अच्छे से बात को बेटा समझे। जो अंडा होता है ना, एग जो होता है ना, ये जो एग होता है ना, एक्चुअली क्या है, मुर्गी और मुर्गे ने मैटिंग की। आपको तो आप पता है क्योंकि रिप्रोडक्शन का चैप्टर आपने पढ़ा है। मुर्गी और मुर्गा जब इन्होंने आपस में मैटिंग की, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, मैटिंग के बाद मुर्गी के पेट में बच्चा नहीं, मुर्गी के पेट में अंडा बनता है। इसका मतलब अंडा क्या है, ये रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है। ये अंडा क्या है, ये फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल। जब मुर्गी के अंदर फीमेल सेक्स सेल है और मुर्गे ने मेल सेक्स सेल दी, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल मिलके बेटा मुर्गी के पेट में क्या बनता है, अंडा बनता है, ठीक है। ये अंडा बनता है। अब मुझे बताओ अंडा क्या है, अंडा एक्चुअली बेटा फीमेल सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल का मिलके एक प्रोडक्ट होता है। यही अंडा फिर जब बाहर आता है, इसमें इससे क्या बनता है, चूजा बनता है, ठीक है, यानी कि एक छोटा सा एक चिक बनता है। अब बेटे मेरे, हम ऐसे भी विदाउट रिप्रोडक्शन या विदाउट बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स हम मुर्गी से अंडा पैदा कर सकते या हासिल कर सकते हैं। कैसे? देखो ये फॉर्जमल एक मुर्गी है। हम आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आई है, इस मुर्गी से बेटा, इस मुर्गा मुर्गे को हम इसके पास जाने नहीं देंगे, मुर्गी के पास जाने नहीं देंगे, बट स्टिल ये मुर्गी बेटा अपने पेट के अंदर अंडा बनाएगी और बाहर देगी अंडा, विदाउट सेक्चुअल इंटरकोर्स। इसने मैटिंग नहीं की, सेक्चुअल इंटरकोर्स इस मुर्गी ने नहीं किया, बट फिर भी इसने अंडा बनाया। तो ऐसा अंडे को हम बोलते हैं वेजिटेरियन बेटा एग्स। वेजिटेरियन एग्स कौन से एग्स होते हैं? ये वो अंडे होते हैं जिसमें मेल इन्वॉल्व नहीं होता है, फीमेल ने विदाउट मेल अंडा बनाया, उसको बोलते हैं वेजिटेरियन एग। अदरवाइज जो हम अंडा खाते हैं ना, वो नॉन वेजिटेरियन एग होता है, ठीक है। अब वो एग होता है वेजिटेरियन एग, कौन सा है वाला एग, यानी कि इनफर्टाइल एग जो होता है, या बेटा जिसमें मेल इन्वॉल्व नहीं होता, समझ आया। तो बेटा हम मुर्गियों को क्यों पालते हैं? पालने का तो एक रीजन है क्योंकि मुर्गियां जो हम अंडा देती है, कब, जब एक मुर्गी 5 मंथ्स की हो जाती है, वो अंडा देना शुरू करती है, अपनी जिंदगी में तकरीबन 500 अंडे देती है, और जब वो अंडा देना छोड़ देती है, उसको फिर हम बेटा क्या करते हैं, जबह करते हैं, मारते हैं और खा लेते हैं। अब इसके बाद, हाँ, अब उसके बाद मैंने अंडों के 2 टाइप्स आपको बताए। बात यह है सर, हमने तो सुना है जो मुर्गी अंडे देती है उसको हम बोलते हैं ब्रूडी हैं, गलत। किसने बोला? गलत बोल रहा है। ब्रूडी हैन वो मुर्गी नहीं होती है यार जो अंडे देती है, नहीं यार गलत है। देखो जो मुर्गी अंडे देती है ना, उसको हम बोलते हैं एगर, EGGER, एगर। एगर बोलो या बेटा उसको हम लेयर बोलो, LAYER, लेयर, ठीक है। बट ब्रूडी हैन का मतलब, देखो ब्रूडी हैन किसको बोलते हैं, वो वाली मुर्गी जो अंडों पे बैठती है और अंडों से चूजा निकालती है, बस उस इस मुर्गी को अभी हम बोलेंगे यार तू ब्रूडी हैन है, ओ तू ब्रूडी हैन है। तो ब्रूडी हैन का मतलब वो मुर्गी जो अंडों पे बैठती है और अंडों से चूजा निकालती है, उसको बेटा हम बोलते हैं ब्रूडी हैन। इसको सर क्या ये अंडे इसी ने दिए होते हैं? जरूरी नहीं है, ये अंडे इसके भी हो सकते हैं, या ये अंडे बतख के भी हो सकते हैं, या ये अंडे किसी और मुर्गी के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मुर्गी है, उसने अंडे दिए, हमने उन अंडों को 10-15 अंडों को जमा किया और इसके नीचे रखा, उसके बाद हमने क्या किया, हमने दूसरी किसी मुर्गी को लाया, हमने उसको बोला भाई तू इन अंडों के ऊपर बैठ और इनको थोड़ा क्या दे, उनको गर्मी शर्मी दे और हैचिंग कराओ, इनसे चूजा निकालो। 21 दिन, 21 डेज ये मुर्गी बेटा अंडों को नीचे रखती है, अपने नीचे रखती है, फिर इनको गर्मी मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, फिर बेटा इन अंडों से वो चूजा निकालती है। 3 वीक्स, 3 वीक्स का मतलब 21 डेज, ठीक है। हाँ,
आपको पता है ना, अब इस मुर्गी को हम क्या बोलेंगे, ब्रूडी हैन। ब्रूडी हैन कौन सी मुर्गी होती है, वो नहीं विच ही लेज एग्स, नहीं, ब्रूडी हैन का मतलब ऐसी मुर्गी जो अंडों के ऊपर बैठती है और अंडों से हैचिंग करती है, अंडों से चूजा निकालती है, ठीक है। इस मुर्गी को हम बोलते हैं ब्रूडी हैन। और ये जो प्रोसेस है अंडों के ऊपर बैठना 21 डेज, फिर वहां से चूजा निकालना, इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं ब्रूडिंग, BROODING, ब्रूडिंग। नाउ बेटे आपके लिए सवाल है, मुझे बताओ अब ब्रूडी हैन किसको बोलते हैं, वो मुर्गी जो अंडों के ऊपर बैठती है, अंडों से चूजा निकालती है, कितने दिन बेटा 3 वीक्स बैठती है। अब इसके बाद मुझे बताओ ये अंडों के ऊपर बैठना और वहां से चूजा निकालना और बेटा इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, ब्रूडिंग बोलते हैं। और ब्रूडिंग का कॉन्सेप्ट अल्लाह पाक ने बेटा चैप्टर नंबर 30 सूरह रूम में वर्स नंबर 17 में फरमाया है। क्या शान अल्लाह पाक की बड़ी है बेटा, ऐसा कॉन्सेप्ट अल्लाह पाक ने समझाया कि हमें हकीकत में उसकी कुदरत समझ आती है। यह है बेटा वो आयत जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। औज बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व युहयिल अर्ज बाद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। ओ बेटा यहां पे अल्लाह पाक की कुदरत वल्लाही समझ आती है। ऐसा बेटा कोई खुदा नहीं हो सकता है, मतलब इस खुदा से बड़ा कोई खुदा नहीं हो सकता है। बेटा यहां पे अल्लाह पाक फरमाता है, मैं जो जिंदा चीज है ना, जिंदा मुर्गी, जिंदे चीज से मैं मुर्दे को पैदा करता हूं, मींस कि मुर्गी से मैं अंडा पैदा करता हूं, लिविंग थिंग से मैं नॉन लिविंग थिंग पैदा करता हूं। उसके बाद फरमाता है फिर मैं नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग पैदा करता हूं, मींस के अंडे से फिर मैं मुर्गी पैदा करता हूं। बेटा कोई खुदा ऐसा हो सकता है जो ऐसा कर सकता है, सिर्फ एक अल्लाह हो सकता है। इसलिए बेटा जब कुरान को पढ़ते हो ना, तफसीर पढ़ा करे, मैं बार बार बेटा ये कह रहा हूं, तफसीर पढ़ा करे, तब जाके कुदरत समझ में आएगी। चलो बेटा, तो ब्रूडिंग का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। इसके बाद बेटे हमारे पास क्या रहता है, अगर हम मुर्गियों को पालते हैं, क्यों पालते हैं भाई, वो अंडे दे। अच्छा मुर्गों को हम क्यों पालते हैं, जो ब्रॉयलर्स होते हैं ना मुर्गो, सर मुर्गों से क्या फायदा मिलेगा, अभी बोला ना, गोश्त मिलेगा यार, गोश्त, ठीक है, नटन मिलेगा। इसका मतलब ब्रॉयलर्स को हम इसलिए पालते हैं क्योंकि उनसे गोश्त मिलता है, ये मैंने लिखा है ना, ब्रॉयलर्स को इसलिए बेटा बढ़ाया जाता है, ठीक है, तकरीबन बेटा उनको 6 to 8 वीक्स तक बढ़ाया जाता है, उनको खाना दिया जाता है, फाइनली उनको खाना, अच्छा खासा खाना दिया जाता है, फाइनली बेटा 6 to 8 वीक्स तक जब ये ब्रॉयलर्स, ये जो ना चिकन, जब ये बढ़ गया, ये कितने केजी का हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 केजी का हो जाता है, जब ये बड़ा हो गया बेटा, फिर बेटा इसको ज़बह करते हैं और इसका गोश्त खाते हैं। तो ब्रॉयलर्स को बेटा उससे गोश्त हासिल किया जाता है, गोश्त एक फूड है, और वो जो एगर्स हैं या लेयर्स हैं उनको इसलिए बढ़ाया जाता है, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। चलो आपस बेटा अब मुझे बताओ, देखो ठीक है सर, हम तो पोल्ट्री फार्मिंग में एक तो ब्रॉयलर्स को बढ़ाते हैं और हम लेयर्स को बढ़ाते हैं, बट मुझे बताओ सर अगर इनमें बीमारी, सॉरी ये जो ना, अब इनका हम केयर कैसे करें, केयर का मतलब इनको हम कैसे ख्याल रखें, जो ब्रॉयलर्स हैं या पोल्ट्री फार्मिंग में जितने भी बर्ड्स आते हैं, चिकन है ठीक है, या ब्रॉयलर्स है, या बेटा लेयर्स हैं, एगर्स हैं, ब्रूडी हैं, जितने भी बच्चे मेरे पोल्ट्री बर्ड्स हैं, इनका हम कैसे ख्याल रखें। ख्याल रखने के लिए मेन दो काम करने हैं। एक तो करना है आपको शेल्टरिंग और दूसरा करना है फीडिंग। शेल्टरिंग का मतलब होता है हाउसिंग, इनको घर देना है, पोल्ट्री बर्ड्स को आपने घर देना है, और घर देने के साथ साथ बेटा आपने उनको खाना देना है। शेल्टरिंग का मतलब उनको घर देना और फीडिंग का मतलब उनको खाना देना। अरे सर हम जो मुर्गियों को घर देते हैं ना, घर देते, उसी को हम क्या बोलते हैं, शेल्टरिंग। तो बेटा अगर आप मुर्गियां पालते हो, मुर्गे पालते हो, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, पोल्ट्री फार्मिंग में आपको दो काम करने पड़ते हैं, एक तो आपको शेल्टरिंग करनी पड़ती है, और यानी कि उनको घर देना पड़ता है और उनको खाना देना पड़ता है। पहले हम देखेंगे उनको हम घर किस तरीके से बना देते हैं। अब समझे बेटा शेल्टरिंग का मतलब घर देना, बहुत इजी है, समझे, बहुत ज्यादा इजी है शेल्टरिंग। देखो बेटा मुर्गियों के जो घर होते हैं ना, ऐसे ऐसे घर होते हैं, देखो मुर्गियों के ऐसे हम लगाते हैं, बनाते हैं घर, वो जाल शाल लगाते हैं, ठीक है, और ऐसे छोटे मोटे घर होते हैं, इतने होते हैं, जाल शाल लगाते हैं। मुर्गियों के घरों को हम बोलते हैं पेनस, PENS, पेनस, क्या बोलते हैं, पेनस। मुर्गियों के घर को हम बोलते हैं पेनस बोलते हैं। मुर्गियों का जो घर है ना, इनको ऐसा घर दे दो भाई जो साफ भी हो, खुशक भी हो, गीला गीला ना हो,
साफ भी हो, क्लीन भी हो और खुशक भी हो, ड्राई भी हो और वेल इल्यूमिनेटेड। बेटा यहां पे लाइट भी होनी चाहिए, बल्ब लगाना है अंदर, अंधेरा नहीं रखना है, बल्ब लगाना है अंदर। और बेटा वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, दम नहीं होना चाहिए। यहां पे बेटा थोड़ा इसको गद्दू करना है, सुराख करना है ताकि हवा इधर उधर चली जाए, ठीक है। हाँ चले, अब शीशा वगैरह लगाना ताकि चूहा भी ना घुसे। अब पहला काम आपको जो मुर्गियों के लिए यानी कि पोल्ट्री बर्ड्स के लिए जो घर बनाना है वो साफ होना चाहिए, खुशक होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए और वेंटिलेशन यानी कि होनी चाहिए वहां पे। अब नेक्स्ट, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, मेरे कहने के विचार ये है, अगर आप बेटा आपके पास बहुत ज्यादा पोल्ट्री बर्ड्स हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ तगड़े हैं, तो उनके लिए अलग अलग घर बनाना, एक साथ नहीं रखना यार। बड़ा वाला छोटे वाले को क्या करता है, यानी कि वो फिर क्या मैं बोले यार, जुल्म करता है, ठीक है, ऐसे करता है टिच टिच। अब देखो इसलिए बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनके लिए घर अलग अलग बनाओ, बड़ों को अलग रखो, छोटों को अलग रखो, ठीक है। यानी कि यही मैंने लिखा ना, एज ग्रुप डिफरेंस अगर है वो उनको अलग अलग रखो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, तो मुर्गियों का घर ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ये नहीं बेटा अब आप ऐसे बनाओगे चूहा भी घुस सकता है, बिल्ली भी घुस सकती है, डॉग्स भी घुस सकता है, उनको खाएंगे ना। इन पोल्ट्री बर्ड्स के घर ऐसे बनाओ जहां पे चूहे घुसने की जगह ना हो, यहां चूहे घुसने की जगह बंद करो, चूहे घुसने की जगह ना हो, बिल्ली घुसने की जगह ना हो, डॉग घुसने की जगह ना हो, ठीक है। अब ऐसा घर बनाना है जहां पे ये नाबकार तीन ना घुसे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, टेम्परेचर का ख्याल रखना है, मुर्गियों का जो घर है ना वहां टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ख्याल रखो, और इसका टेम्परेचर बेटा कितना, 34 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में रखना है। मुर्गियों का जो घर है इसमें जो टेम्परेचर आपको रखना है वो टेम्परेचर इस दौरान रखना है, क्यों, क्योंकि बेटा अंडा बनाने के लिए टेम्परेचर इतना चाहिए, अंडा हैच करने के लिए टेम्परेचर इतना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, हाँ लाइटिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, मैंने बोला मुर्गियों का घर जो है ना इसमें कैरेक्टर क्या क्या होना चाहिए बोला। अब देखो यह है शेल्टरिंग, शेल्टरिंग आप इनका घर कैसे दोगे। अब है फीडिंग, आप इनका क्या क्या खाना दोगे, मुर्गा मुर्गियां जो है ना पोल्ट्री बर्ड्स, आप इनको क्या क्या खाना दोगे उसको हम बोलते हैं फीडिंग। फीडिंग में आता खाना क्या क्या दोगे। अब सबसे पहले बेटा मुर्गियां जो है ना या पोल्ट्री बर्ड्स, आप इनको ऐसा खाना दे दो जिस खाने में प्रोटीन्स भी होंगे, विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, फाइबर्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, ऐसा खाना देना है। सर इनको जिम जाना है क्या, हम ऐसा खाना देंगे, अरे भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं इनको अंडे देने हैं ना, इनको गोश्त बनाना है ना अपने ऊपर ताकि हमें वो गोश्त खाना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं मुर्गियों को आपने ऐसा खाना देना है, ऐसा फूड प्रोवाइड करना है जिस फूड में फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो और फाइबर भी हो, विटामिन सारे मिनरल्स हो, और वैसा फूड इनको देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जैसे सर कौन कौन सा फूड देंगे, जैसे मेज दे दो ना, अरे अब मैशेड सीरियल्स दे दो, मैशेड का मतलब उनको आपके पास दाल है, दाल को ऐसे पहले तोड़ो तोड़ो तोड़ो, वो कुचुंबर बनेगा, वही कुचुंबर फार्म है, इनको दे दो, मुर्गियों वगैरह को दे दो। वीट दे दो, मेज दे दो, जवार दे दो, बाजरा दे दो, राइस ब्रांड दे दो, ऑयल केक्स दे दो, ठीक है, लाइम स्टोन दे दो, लाइम स्टोन, ये लाइम स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइम स्टोन ना, हाँ लाइम स्टोन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप मुर्गियों को ये देते हो ना वीट मेज जवार, इनसे इनकी सेहत बनेगी, पर लाइमस्टोन से क्या होगा, ये तो कैल्शियम है, लाइमस्टोन से पता है क्या है, लाइमस्टोन से अपने अंडों की शल बनाएंगे, अंडे की शल, अंडे की शल है ना, अंडे की जो शल है उस शल का क्या नाम है, कैलकैरियस शल, कैलकैरियस शल, कैलकैरियस शल का मतलब अंडे की शल, क्योंकि कैल्शियम की बनी है, दैट्स व्हाई कैलकैरियस, ठीक है। तो बेटा अंडा बनाने के लिए जो शल है ऊपर, शल बनाने के लिए क्या चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए। इसलिए आप जब पोल्ट्री बर्ड्स को फूड दोगे ना, फूड बेटा ये फूड उनको प्रोवाइड करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाँ चलो ये तो यही है भाई, इसमें मिनरल्स वगैरह दे दो, ठीक है। हाँ ये नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, अब देखो अब आपको बताया बेटा लास्ट पे है डिजीजेस, लास्ट पे बेटा आज का सेशन का लास्ट वाली स्लाइड है, अब है डिजीजेस। देखो ऐसा नहीं है बेटा, अगर आप बच्चे को कितना भी ख्याल रखते हो ना, कितना भी ज्यादा ख्याल रखते हो, तो स्टिल कभी ना कभी ये बच्चा बीमार पड़ता है, ठीक है। जब आपकी छोड़ो, जब मेरी शादी हो जाएगी, देखो फिर मेरे बच्चे आएंगे, अगर मैं उनका कितना भी केयर करूं, कभी ना कभी सर दर्द, जुकाम, खांसी, ये तो होता रहता है यार, एक कॉमन चीज है। इसी तरह अगर आप बेटा इन पोल्ट्री बर्ड्स को कितना भी ख्याल रखोगे ना, कितना भी ख्याल रखोगे, स्टिल कभी ना कभी बेटा उनको बीमारी लगेगी। और डू यू नो बेटा पोल्ट्री बर्ड्स को कौन सी बीमारी लगती है, पोल्ट्री बर्ड्स को, रिमेंबर बच्चे मेरे, पोल्ट्री बर्ड्स को जो कॉमन बीमारियां पोल्ट्री बर्ड्स को है, छोटे बच्चों को जुकाम, खांसी, ताप, तीर होता है, जो पोल्ट्री बर्ड्स को बीमारी लगती है वह है फाउल कॉलरा,
चिकन पॉक्स, हाँ रहनी किट, ये मेन तीन बीमारियां हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स को लगती हैं। कौन कौन सा? फॉवल कॉलरा, चिकन पॉक्स, रहनी किट। रहनी, ये तीन मेन बीमारियां हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स को लगती हैं, ठीक है? हाँ, बट सर अगर इनको बीमारी लगी तो हम क्या इनको करेंगे? आपको बताएं बेटा, यही तो मैंने लिखा। अब देखो, सबसे पहले बीमारी क्यों लगेगी? या तो आप उनको प्रॉपरली खाना नहीं देते हो, यहाँ ठीक है यार, सही में बोल रहा हूँ, या तो पोल्ट्री बर्ड्स को आप प्रॉपरली खाना नहीं देते हो, उनको बीमारी लगेगी। उनको प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट दो ना, यही मैंने लिखा, डिजीज कंट्रोल। अगर आप चाहते हैं आपकी पोल्ट्री बर्ड्स में बीमारी ना लगे, सबसे पहले बेटा आपको बैलेंस्ड डाइट उनको देना है। पोल्ट्री बर्ड्स में ज्यादातर ये बीमारियां लगती है, बट बात यह है, अगर आप चाहते हैं उनमें बीमारी ना लगे तो आपको करना क्या, बैलेंस्ड डाइट देना है। बैलेंस्ड डाइट, ऐसा फूड दे दो जिसमें प्रोटीन्स भी होंगे, फाइबर्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, लाइमस्टोन भी होगा, सब कुछ होगा, मिनरल्स, विटामिंस भी होंगे, उसको बैलेंस्ड फूड बोलते हैं। मुर्गियों को यानी कि पोल्ट्री बर्ड्स को वही दे दो, इनको बीमारी नहीं लगेगी। नेक्स्ट, जरूरी नहीं है बस सिर्फ आप फूड देने से उनको बीमारी नहीं लगेगी, जिस घर में मुर्गियां या ये पोल्ट्री बर्ड्स रहते हैं ना, उसको साफ रखो यार, वहां स्मेल नहीं आनी चाहिए, वहां साफ रखो, क्लीन करो। जब आप उसको साफ रखोगे ना, मुर्गियों के घर जिनको हम पेनस बोलते हैं, मुर्गियों के घरों को जब आप साफ रखते हो, डू यू नो व्हाट विल हैपन, तो क्या हो जाएगा बेटा, वहां बीमारी शमारी फिर तकरीबन जल्दी नहीं लगेगी, ठीक है? तो इनका जो घर है वो साफ होना चाहिए। नेक्स्ट, हर हफ्ते बेटा आपको क्या कर रहे हैं, मुर्गियों के घर के अंदर घुसना है, फिर वहां बेटा स्प्रे कर रहे हैं, किसका? डिस इन्फेक्टेंट्स का, इन्फेक्शन को मारने की स्प्रे कर रही है। जैसे हम हैंड वॉश करते हैं ना, वो एक स्प्रे होती है बेटा, डिस इन्फेक्टेंट जो इन्फेक्शन को मारती है। सेम, बाजार से पोल्ट्री फार्म वालों के पास जाना या बेटा एनिमल हस्बेंड्री वालों के पास, वो आपको क्या देंगे, वो आपको डिस इन्फेक्टेंट देंगे, कुछ केमिकल देंगे, पानी के साथ मिलाओ, फिर बेटा स्प्रे करो, इस जहां ये मुर्गियां रहती है पहले उनको बाहर निकालो, फिर बेटा वहां पे इनके घर के अंदर से स्प्रे करो, क्या डिस इन्फेक्टेंट की स्प्रे करो, ताकि वहां इन्फेक्शन होगा वो मर जाएगा, इससे भी बीमारी मत लगेगी, अच्छी बात है ना। नेक्स्ट, हाँ आप देखो, मुर्गियां जो ये कूड़ा कचरा देते हैं ना, पेशाब करती हैं मुर्गियां, या पोल्ट्री बर्ड जो ये पेशाब करती है ना, फिर वो पेशाब कहाँ रहता है, इनके घर के अंदर रहता है, ये मत टॉयलेट वगैरह जाते हैं, इनके घर के अंदर पेनिस के अंदर रहता है। बेटा हमें हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद इनका जो ये पेशाब एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा मीन्स पेशाब, इनका जो पेशाब है उसको निकालना चाहिए, वहां पे साफ करना चाहिए, इनके घर को साफ करना चाहिए। जब पेशाब ही निकाला, बीमारियां लग जाएंगी? नहीं लग जाएंगे ना, ठीक है। हाँ, और अच्छी बात यह है, अगर आप चाहते हैं बेटा आपके जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं इनमें बीमारी नहीं लगनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, वैक्सीन कराया करो। जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं इनको वैक्सीन दिया करो यार, इनको वैक्सीन किया करो, वैक्सीन जैसे इंसान को वैक्सीन करता है बीमारी नहीं लगती है, पोल्ट्री बर्ड्स को वैक्सीन किया करो। कौन सा? हाँ, फॉवल कॉलरा वैक्सीन किया करो, चिकन पॉक्स, रहनी कैट वैक्सीन इन पोल्ट्री बर्ड्स को दिया करो, फिर जाके इनको बीमारी नहीं लगेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट बेटा क्या, किसके बारे में था? ये पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में था, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग, या मैं बोलूंगा बेटा यही पोल्ट्री फार्मिंग, ये जो एनिमल हस्बेंड्री का एक ब्रांच होता है जिसको हम पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में हमने पढ़ा। कितने किस्म के पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं? तीन, इंडिजेनस, एक्सोटिक एंड इंप्रूव्ड, ठीक है। फिर हम क्यों इन पोल्ट्री बर्ड्स को हासिल करते हैं, इनको हम क्यों पालते हैं? दो चीजों के लिए, अंडों के लिए, और हम किसके लिए पालते हैं? गोश्त के लिए पालते हैं। लास्ट पे हमने बेटा इनकी बीमारी पढ़ी, क्या क्या बीमारी लग सकती है, हाउ वी शुड प्रिवेंट दिस डिजीज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। तो बेटे आज का सेशन इख्तिताम हो जाता है, हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह ये जो फिशरीज वाले टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बाय।